हे व्हाट्सअप गेमर्स, मैं हूं शार्प और आप देख रहे हैं शार्प रॉप पी। आज की ट्यूटोरियल बात करेंगे हम हमारे लेआउट के बारे में कि आपको कौन सा लेआउट सेट करना चाहिए। और फिर जो लोग पता नहीं लेआउट क्या होता है तो मैं आपको सिंपली बताता हूं। ये होता है जैसे हम कंट्रोल में आते हैं, हम कंट्रोल सेट करते हैं तो हमारे पास तीन टाइप के पबजी ने मतलब बीजे मैंने हमें तीन टाइप के लेआउट दे रखे होते हैं। लेफ्ट फर्स्ट होता है लेफ्ट वाला फायर मूवमेंट, और सेकंड होता है लेफ्ट मूवमेंट राइट फायर फ्लोटिंग बटन, एंड थर्ड होता है लेफ्ट मूवमेंट फिक्स्ड बटन और राइट फायर फिक्स्ड बटन। ठीक है, तो फिर होते क्या है, कौन सा यूज़ करना चाहिए, कौन से अच्छे से प्लेयर जो आपके फेवरेट प्लेयर है, स्नेक्स जोनी स्काउट मॉडल जो भी आपका फ्रेंड प्लेयर कौन सा यूज़ करता है, और ज़्यादातर फ्रेंड कौन सा रिकमेंड अच्छा है, फ्रेंड कौन सा आपके डिवाइस के अकॉर्डिंग बेटा और आपको कौन सा यूज़ करना चाहिए, मतलब सारे क्वेश्चन यहाँ से मिलने वाले। साथ में कुछ ऐसी प्रो टिप्स जिससे फ्रेंड आपकी मूवमेंट काफ़ी हद तक अच्छी हो जाएगी। तो फिर समझ समझते होती है होता क्या है। तो फ्रेंड जैसे हम बात करेंगे पहले फर्स्ट के बारे में, तो फ्रेंड आपको फर्स्ट में यहाँ पे दो चीज़ें देखेंगे, एक होगा मूव एम और फायर, ये तीनों तीन चीज़ें देख रही है फ्रेंड। तो इसमें क्या है, सबसे पहले ये फ्रेंड तीनों एक बार तो नॉन वो इनमें जो है वो नॉन गायरो प्लेयर के लिए है, मतलब जो आप अगर गायरो यूज़ नहीं करते हो तो फिर आप दोनों पे मिले परफेक्ट आराम से खेल सकते हो। बीच वाला है उसमें क्या सिस्टम तो आवाज़ बताता हूँ। ठीक है, तो फिर आपको तो यहाँ पे दिख रहा है ब्लू कलर प्लस दिख रहा है यहाँ पे येलो कलर। इसमें क्या होता है फ्रेंड, मूव में ये होता है जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, एक फ्रेंड आप देखो तो मैं जॉयस्टिक आप अभी आपको लग रहा है शायद मेरी प्लेसमेंट होगी, ठीक है, ये मेरी प्लेसमेंट नहीं है जॉयस्टिक की, अभी मैं जॉयस्टिक लग रहा हूँ फ्रेंड अपनी यहाँ पे जस्ट लगे ना ये एडजस्टमेंट यहाँ पे रखकर मैं सब सेव करता हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड इसमें क्या होगा, अभी मैं अभी आप सोच रहे हैं अभी याद मेरे हाथ जा नहीं रहा होगा है ना, तो फ्रेंड अभी मैं इसमें क्या हो रहा है कि मैं जहाँ भी टच कर रहा हूँ जैसे मेरे जो हाफ जैसे फ्रेंड स्टिकर वाला बटन है ना फ्रेंड, जैसे हम स्टिकर प्लेस करते हैं ग्राफ्टी, फ्रेंड इसके जो हाफ पोर्शन है इस साइड का जो मेरा लेफ्ट हैंड पोर्शन है फ्रेंड, ये पूरा मेरा इस मूवमेंट के लिए हो रहा है। मतलब अगर मैं इसमें कहाँ पर भी टच करता हूँ, इसके अंदर मैं कहाँ पर भी टच करके कहाँ कुछ भी करता हूँ, इसके अंदर कहाँ पर भी टच करता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे आपको हल्का शो होगा कभी कभी भी, यहाँ पे मेरे भी थम है फ्रेंड, अभी मेरा यहाँ पे जो थम है वहाँ पे आपको हल्का सा कभी भी शो हो जाएगा बीच में, कि यहाँ पे हल्का सा आपको जो होता है ना बटन शो होगा वो वाला मतलब स्पीड वाला बटन शो होगा फ्रेंड। ठीक है, जो स्प्रिंट वाला बटन, हाँ जैसे अभी जगह फ्रेंड स्प्रिंट वाला बटन शो हो रहा है फ्रेंड, तो अभी मेरा थम यहाँ पे, अगर मैं इसी को स्प्रिंट वाला बटन को अगर यहाँ पे रखता हूँ तो फिर मैं थम जहाँ पे रखूँगा वहाँ पे स्प्रिंट वाला बटन शो हो रहा है, तो आपको समझ आएगा मेरे थम की प्लेसमेंट कहाँ पे है। लेकिन जो मेरी जॉयस्टिक प्लेन फ्रेंड वो मेरे ऊपर ही ऊपर है, तो लेकिन तो भी मैं इसे यूज़ कर पा रहा हूँ। तो फ्रेंड इसमें सिंपल ज़्यादा कुछ है नहीं, सिंपली यही है कि इसमें फ्रेंड आप अपनी जॉयस्टिक कहाँ पे भी रखो, लेकिन आपकी जॉयस्टिक होनी चाहिए लेफ्ट साइड के अंदर। अगर जस्ट लाइक भाई साहब आपका इसमें आपकी जॉयस्टिक हम एडजस्ट बटन है जॉयस्टिक में इस साइड लेके आता हूँ, तो फिर आपको बताता हूँ क्या होगा। अगर मैं इस साइड जॉयस्टिक लेकर जाता हूँ तो भी फ्रेंड फिर मैं मूवमेंट कर पाऊँ, फिर मुझे जॉयस्टिक भी काम में नहीं दे रही, मतलब आपको सिंपल बताता हूँ। हाँ, अभी फ्रेंड मेरे जॉयस्टिक से काम नहीं हो रही, अब मुझे समझ में आ रहा है अपना गेम यूज़ कैसे किस अकॉर्डिंग करूँ। ये तो फ्रेंड मेरा ये मतलब सिस्टम बिगड़ गया, जैसे गायर करना पड़ रहा है, मैं नहीं अपना वो कम कर पा रहा हूँ, एम का होता है ना फ्रेंड ये नहीं कर पा रहा हूँ, और साथ में मेरा पूरा ही हो गया, मतलब पूरा जॉयस्टिक का सिस्टम बिगड़ गया। तो फ्रेंड इसलिए आपको सबसे पहले अपनी जॉयस्टिक को इस साइड में रखनी होगी, काफ़ी भी जगह सेट कर देनी है, और फिर आपको इजीली गेम खेलना है। और फ्रेंड हमारा जो लेफ्ट मूवमेंट और सेकंड वाला लेआउट जो फ्रेंड इतना खास है नहीं, और फिर मैंने कंट्रोल सेट कर भी नहीं रहेगा रियली, क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ खास लगता है नहीं। मैं आपको सिंपली सेव करके बताता हूँ, अभी मैं टू फिंगर पर आ जाऊँगा तो मैं सेव करता हूँ और इसमें एग्जिट करता हूँ। ठीक है, तो फिर इसमें क्या सिस्टम है अपना, जो लेफ्ट वाला एक तो हमारा ये वाला बटन है, आप फ्रेंड देख रहे होगा लेफ्ट वाला, ठीक है, ये इसमें कुछ हो नहीं रहा। ये फ्रेंड आपको आपको गायरो खेलता है फ्रेंड, तो उनके लिए बेस्ट जो बंदे गायरो खेलते हैं और उन्हें एम अपना एम करना है, अगर जैसे आप सिंपली आप एडीएस प्लेयर फ्रेंड तो ये आपके लिए बहुत घटिया होगा, क्योंकि आप जब भी एम लेते हो तो फायर हो जाएगा अचानक से, देख पा रहे हो ना, आप जब भी एम लेकर जा रहे हो फ्रेंड उस साइड फायर कर रहा है उस साइड से, इसलिए फ्रेंड आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब बात करते हैं हमारे मेन और जो थर्ड लेआउट है फ्रेंड, वो जो मैं खेल रहा हूँ जिसमें मेरे कंट्रोल से इस प्रकार सेट है फ्रेंड, मैंने कंट्रोल से पूरी वीडियो बना रखी है जिसका थंबनेल आपको शो हो रहा होगा, नहीं हो रहा तो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर देख सकते हो, बाकी चैनल में जाकर भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड इसको सेव करता हूँ मैं और जो सजा तो ये मेरे लिए कंट्रोल से। और फ्रेंड इसमें क्या होता है फ्रेंड, ये बहुत काम कीजिए, जस्ट लाइक हमारे फर्स्ट लेआउट में क्या हो रहा था कि हमारा जो हाफ स्क्रीन थी फ्रेंड वो हमारे पूरी जॉयस्टिक के लिए डेडिकेटेड थी, जिसमें हम काफ़ी भी अपने फिंगर थंबनेल लगाते थे तो भी हमारे जॉयस्टिक मूवमेंट करते थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं, अगर इसमें जो मेरा तो फ्री स्पेस जैसे देख सकते हैं फ्रेंड मेरे मैप के नीचे और फायर के बीच में जो फ्री स्पेस दिख रहा है फ्रेंड आपको, अगर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा एडीएस जस्ट लाइक मेरा एम है फ्रेंड वो चेंज होता है, जैसे आप बताता हूँ आपको सिंपली टारगेट पास लेकर जाता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। हाँ, तो फ्रेंड जैसे देख सकते हो अब यहाँ पे मेरा एम है, अगर मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ और फिर मैं अपने मेप के नीचे टच करता हूँ या फिर घुमाता हूँ तो फिर मेरा एम चेंज हो जाएगा पूरा, मतलब मेरा एडीएस चेंज हो जाएगा। जैसे जब बनिस्पत अगर जॉयस्टिक पे हाथ घुमाता हूँ तो मैं फिर मेरा आदमी मूवमेंट करेगा, मेरा प्लेयर मूवमेंट का। तो फिर इसमें सिंपल सी एक चीज़ है कि अगर आप अपने जॉयस्टिक से बनिस्पत किसी और जगह हाथ लगाते हो या फिर अपने थंब को यूज़ करते हो तो उस जगह क्या होगा कि आपका मतलब व्यू मूवमेंट करेगा, ना कि आपकी जॉयस्टिक। लेकिन उसी बजाय आप इसकी जगह सिंपली आपने आप जो होते हैं ना जॉयस्टिक इस पर आप प्लेसमेंट करते हैं फिर इस पर आप खेलते हो फ्रेंड, तो फ्रेंड आपको मतलब बंदा होगा ये मूव करेगा, तो फ्रेंड आपको ये चीज़ समझ में आ गई। सिंपली आपको कुछ सब चीज़ें प्रॉपर सब तरीके से समझाइए सिंपल वे में, ठीक है, ज़्यादा कुछ भेजा हमारी है नहीं कि आपको सिंपली आप इसको सिर्फ जॉयस्टिक मूवमेंट करना है आपको। अगर आप इस जगह किसी और जगह टच करते हो तो फ्रेंड आपको मतलब जो
जैसे बटन्स के अलावा अगर जो फ्री स्पेस है देख तो हमारा जो स्किन के ऊपर जो फ्री स्पेस है उस पर टच करने पर हमारा एडियस मूव होगा और बाकी जॉयस्टिक पर टच करने से हमारा मूव होगा, हमारा क्या बोलते हैं बंदा मूव होगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में हमारा क्या होता है फ्रेंड, मूव होता है मतलब हाफ जो स्क्रीन होती है फ्रेंड वो हमें करती है, अपनी जॉयस्टिक इंडिकेटर होती है। सेकंड वाले में क्या होता है कुछ नहीं, आपको पता समझ आएगा। जैसे हमारा ये इसमें भी हाफ मतलब इसमें दोनों मिक्सर होता है, इसमें जो फर्स्ट वाला है फ्रेंड ये वाला इसका मिक्सर तो है इसमें, लेकिन जो इसमें फायर बटन जो इसमें फिक्स्ड फायर बटन यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ध्यान से पढ़ोगे तो राइट फायर बटन फिक्स, इसमें क्या होगा फ्लोटिंग मूवमेंट, जहाँ पे आप टच करोगे वहाँ पे आपका फायर बटन आ जाएगा, जो फ्रेंड आई थिंक मैंने अभी तक भी देखा नहीं या फिर आई डोंट थिंक कोई यूज़ करता होगा फ्रेंड। अब फ्रेंड बात करते थर्ड में, फ्रेंड ये काम की गए फ्रेंड, इसमें क्या है आपको टोटल जो भी एरिया है सारा व्यू के लिए काम है, कैसे देख सकते फ्रेंड यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे बीच में लिखा हुआ है एम मूव फायर, तीन ऑप्शन तरह के, एम में जो टोटल ईयर है बाकी ये वाला जैसे मूव के लिए है। तो फ्रेंड आपको अगर ये फ्रेंड वो बता दूँ इसको यूज़ करते हो तो फ्रेंड आपको इजली मतलब आपको यहाँ पे करना पड़ेगा फ्रेंड, इससे फायदा क्या होगा, एक तो फ्रेंड आपकी मूवमेंट पावर बढ़ जाएगी, मुझे पता है मैंने मतलब ट्राई किया खुद में, मैंने इससे पहले मैं खेलता था, मुझे गेम खेलते हुए काफ़ी साल हो गया आई थिंक मतलब एक दो साल तो मुझे गेम खेलते हुए हो ही गए, मैं इससे पहले पबजी लाइट खेलता था, फिर वहाँ पर बीजे में आया पबजी खेलता था, मैं इससे पहले पबजी खेलता था, वापस जी के आर खेला मतलब काफ़ी सारे मैं मोड खेल चुका हूँ पबजी के और बीजे एम आई के। तो फ्रेंड आज से आप देख सकते हो मुझे पता था कि हमेशा मैं सिर्फ फर्स्ट वाला यूज़ करता था, जैसे आप भी यूज़ करते होंगे अभी भी, तो फ्रेंड मेरी बात मानोगे आप शिफ्ट हो जाएगी इस पर, मुझे लगता है मुझे पता है आप इसके कंट्रोल प्रोसेस में चलने वाला है नहीं, तो फ्रेंड आपको अपने कंट्रोल्स वापस करना पड़ेंगे, एक आधा घंटा वेस्ट करके वापस अपने कंट्रोल सेट करने पड़ेंगे, लेकिन गाइस अगर आप उसमें शिफ्ट हो जाएंगे तो फ्रेंड आप फर्स्ट में आपको लगेगा क्या गिटर गेम चल रहा है, मैं नोबड़ा बन गया ऐसा हो गया, लेकिन जब आप उसमें सीख जाओगे फ्रेंड तो फ्रेंड आपका गेम प्ले काफ़ी इंप्रूव कर देगा फ्रेंड। जो ज़्यादातर प्लेयर है मतलब हद से ज़्यादा प्लेयर्स भी खेलते थे, जोनाथन स्काउट स्नेक्स फ्रेंड ज़्यादातर प्लेयर्स भी खेलते थे, क्योंकि उन्हें पता है फ्रेंड यहाँ पे जो हमारा एम हो जाता है और ये मूवमेंट, ये मूवमेंट के लिए बेस्ट मूवमेंट है। अब फ्रेंड आप बताता हूँ जॉयस्टिक प्लेसमेंट, ठीक है फ्रेंड, इस पर मैं नेक्स्ट मूवमेंट लूँगा, सबसे पहले इसका आपको साइज, अगर इसमें साइज मैटर करती है, प्लेसमेंट मैटर करती है, ये अच्छी सारी चीज़ें इसमें मैटर करती है, ठीक है। अगर आपके फ्रेंड आपको सही नहीं है तो फ्रेंड ये इसमें आपको पूरा गेम डिस्टर्ब कर पाएगी, लेकिन बस सही कर देते हो इस चीज़ को परफेक्ट कर देते हो, मेरी बात मानिए, अगर आपने इस चीज़ को परफेक्ट कर चुके हो फ्रेंड्स तो गाइस आपकी जो मतलब गेम होगा उसकी फ्रेंड बात ही क्या बोलूँ मैं, सच में बहुत अच्छा हो जाएगा, आपकी मूवमेंट काफ़ी हद तक अच्छी हो जाएगी, ठीक है। बाकी से आप वीडियो बनी जाएगा, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो आने वाली है फ्रेंड आपकी जॉयस्टिक प्लेसमेंट के ऊपर, तो और साथ में वीडियो आने वाली जो अपग्रेडेड है उसके कुछ नए फीचर्स के ऊपर, तो फ्रेंड ये था इस वीडियो में, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लेट टिल इन।